हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंसेज के बारे में पढ़ना। देखिए क्या है लेंसेज, क्या होते हैं लेंस। देखो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। सबसे पहली बात तो ये है ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब लाइट उसके अंदर से पास कर सकती है। जिसकी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। लेंस रिफ्रैक्शन पे काम करते हैं। कैसे होती हैं वो चीज देखते हैं। मान लो ये एक ग्लास का स्फीयर है, बड़ा स्फीयर लिया हमने ग्लास का, सॉलिड है। मिरर बनाने होते तो इसको होलो रखते हैं हम, लेकिन अब की बार ये मतलब पूरा एक ग्लास का, जैसे पेपर वेट होता है उसी टाइप में ये क्या है, पूरा ग्लास का है। अब ये स्फीयर है, स्फीयर आप लोग समझ पा रहे होंगे सर्कल और स्फीयर में अंतर होता है। जो आपकी एक रिंग होती है वो तो होती है सर्कल, और जो आपकी एक बॉल होती है, बॉल वो होती है स्फीयर। लेकिन हम बोर्ड के ऊपर दोनों को एक ही तरीके से ड्रा कर सकते हैं। तो ये आ गया, एक स्फीयर है ग्लास का है, कांच है इसके अंदर पूरा ग्लास का है। मैंने इसका मान लो ये टुकड़ा काट दिया, ये भी एक दो टुकड़े काट लिए दोनों एजेस से। ये इसका सेंटर था और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, फिर स्फीयर की रेडियस थी। तो इतना आप ध्यान रखें, आपने दो टुकड़े लिए तो आपके पास जो ये जो टुकड़े बने ये कुछ इस प्रकार से आए। यहाँ खाली नहीं है, ये कांच है इसमें, ग्लास है इसमें, ये एक टुकड़ा बना आपका। तो कोई भी जब गर्व होती है तो ये जो बाहर उभरा हुआ हिस्सा है, इधर से इस साइड को आप लोग इसको कॉन्वेक्स साइड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। और यदि आप लोग ये चीज लेते हो, ऐसे इसको काटते हो और इधर ग्लास है, तो आपकी जो ये साइड है ये कौन सी साइड होती, ये कॉनकेव साइड होती। क्लियर है? तो ये जो साइड होती है जो बाहर अंदर दशी हुई होती है ये कॉन्वेक्स साइड होती है, और जो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है वो ये कॉनकेव होती है, और ये साइड कौन सी होती है, कॉन्वेक्स होती है। अब क्या करना है आपको लेंस बनाने के लिए, दो ये जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है कि लाइट एंटर करे, एक तो इधर से एंटर करे और एक इस प्रकार की से एंटर करेगी इसके अंदर। तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है। तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आपको क्या कर देनी है, जोड़ देनी है। जोड़ेंगे तो ये देखिए मैंने इस प्रकार से जोड़ दिया। ध्यान दें, ये बीच से यदि आप लोग दिखाओगे तो यहां भी इधर भी कौन सी साइड है, ये कॉन्वेक्स है, और ये कौन सी साइड है, ये भी कॉन्वेक्स है। तो ये कौन सा बन गया, इसको आप लोग बोलोगे डबल कॉन्वेक्स। मतलब दोनों साइड इसकी कैसी सरफेसेस हैं, कॉन्वेक्स है, तो इसको बोल सकते हैं डबल कॉन्वेक्स या फिर बाई कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हो इसको, डबल कॉन्वेक्स या फिर बाई कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा, ये आप लोग यदि इस प्रकार से बनाते हो तो यहां क्या है, इसमें ग्लास है, जहां ग्लास है ये आप देखते हो इसका काटते हो, तो ये हाफ पोर्शन, ये एक साइड इसकी कैसी हो गई, कॉनकेव, दूसरी साइड भी कैसी है, कॉनकेव। तो ये कौन सी, कौन सा लेंस बनेगा, ये बनेगा डबल कॉनकेव लेंस। ये आ गया डबल कॉनकेव लेंस, जिसकी डबल या फिर बाई, बाई मीन्स टू, बाई कॉन्वेक्स दोनों साइड क्या होंगी उसकी, कॉन्वेक्स होंगी। बाई कॉनकेव दोनों साइड उसकी क्या होंगी, कॉन्वेक्स होंगी। यदि ऐसे आपको दिखाया गया है तो जिस इसमें देखिए यहां ट्रांसपेरेंट मटेरियल भरा है जिसमें से लाइट पास हो सकती है। ये कैसी सरफेस है, ये है प्लेन, और ये कैसी है, ये है कॉन्वेक्स। तो ये कौन सा बन गया है, प्लेनो कॉन्वेक्स। यदि दोनों साइड कॉन्वेक्स होती तो डबल कॉन्वेक्स, दोनों साइड कॉन्वेक्स कॉनकेव होती तो डबल कॉनकेव। ये एक साइड प्लेन है एक साइड कॉन्वेक्स है, तो ये क्या आ जाएगी, प्लेनो कॉन्वेक्स। तो इस प्रकार से आपका लेंस जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। एक स्फीयर से हम लोग काटते हैं, उनसे हम इन चीजों को बनाते हैं। ये जरूर ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है कि जो आपने ये दो टुकड़े जोड़े, आपने दोनों कॉन्वेक्स जो साइड थी उसकी दो टुकड़े जोड़े, तो ये फर्स्ट पार्ट इसका और ये सेकेंड पार्ट, तो फर्स्ट और सेकेंड जो दोनों ही पार्ट एक ही स्फीयर के हों, ऐसा हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं। मतलब
यहां इस पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट अलग अलग स्पीयर के हो सकते हैं, इसलिए अलग अलग इनकी रेडियस भी हो सकती है। इस पार्ट की रेडियस, रेडियस समझ रहे हो, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है, तो ये रेडियस और इसकी इसकी रेडियस दोनों डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्फीयर से बनाए जा सकते हैं। तो लेंस क्या करता है, इसमें से लेंस में से देखो लाइट जो होती है वो पास हो जाए, जब लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि लाइट पहले तो एक मीडियम में थी, दूसरे मीडियम में जब हो जाएगी तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जानी है, और उस डेविएशन को ही आप लोग क्या बोलते हो, रिफ्रैक्शन बोलते हो। तो अभी हम लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनको देखते हैं हम, टर्म्स रिलेटेड टू द लेंसेज। कुछ टर्म्स क्या है देखिए, रिलेटेड टू लेंसेज, तो मैं यहां एग्जांपल के लिए लेता हूं एक कॉनवेक्स लेंस लेता हूं, और कौन सा कॉनवेक्स है, ये डबल कॉनवेक्स है। तो ये आप लोग कहोगे ये चीज क्या है, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये मिडल पॉइंट होता है। लेंस आप लोग कह सकते हो कि कुल मिला के एक इस प्रकार का मटेरियल होगा, ऐसे जुड़े होंगे, आपको सिर्फ ये दोनों साइड दिखाई जाती हैं बोर्ड के ऊपर, लेकिन एग्जैक्टली वो ये स्फीयर एक ऐसा और एक दूसरा स्फीयर, दोनों को स्फीयर का पार्ट दोनों को जोड़ा जाता है ऐसे। तो यहां जो ये चीज आती है ये उसका मिडल पॉइंट है। कई बार दिमाग में ऐसे आता है, डायग्राम देखते हैं कि ये चीज मिडल पॉइंट, इसका मिडल पॉइंट है, नहीं। तो यहां जो मिडल पॉइंट होगा लेंस का वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। अब ऑप्टिकल सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करता हूं मैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब क्या करें जी, अब मान लो कि कोई भी लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स, लाइट सोर्स से मतलब समझ रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट आती है लेंस के ऊपर, तो वो लाइट का सोर्स कंसीडर किया गया। तो कह रहा है कि कोई भी लाइट का सोर्स है जो इंफिनिटी पे रखा था, देखो इंफिनिटी का मतलब हमें नहीं पता होता कहां है, हमें नहीं पता इन्फिनिटी का कहाँ है, क्योंकि जहां तक आप लोग पहुंच गए वही चीज फाइनाइट हो जाती है। तो इन्फिनिटी का नहीं पता, और इन्फिनिटी से जब भी रेज आती हैं वो हमेशा पैरेलल रेज आएंगी, और जब पैरेलल रेज जहां भी जाएंगी तो कहां जाएंगी, वो इन्फिनिटी के ऊपर जाएंगी। ये ऐसे इस प्रकार से जा रही है, तो आप कहोगे ये कहां से आई, ये इन्फिनिटी से आई, ये जा कहां रही है, ये इन्फिनिटी पे जा रही है। क्लियर? तो क्या कहता है कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, तो कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है उससे रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी, वो इसके ऊपर गिरी, गिरने के बाद ये इस लेंस का नेचर होता है कन्वर्जिंग नेचर होता है, कन्वर्जिंग नेचर मतलब ये कन्वर्जिंग का मतलब है ये क्या करता है, ये एक ही पॉइंट पे एट ए पॉइंट ये उन सभी रेज को मिलाता है एक ही पॉइंट के ऊपर, जबकि दूसरा आपका जो लेंस था जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का नेचर इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, वो क्या करता है, वो डाइवर्ज करता है। मतलब देखिए यदि रेज ऐसे आकर एक पॉइंट के ऊपर मिल जाती हैं तो ये कैसी रेज है, कन्वर्जिंग है, और यदि रेज एक पॉइंट से और बाहर की तरफ निकल रही हैं, ये दूर जा रही हैं, तो ये कैसी रेज है, ये है डाइवर्जिंग रेज है। तो यहां इस लेंस का जो नेचर होता है, कॉनवेक्स जो लेंस है उसका नेचर होता है कन्वर्जिंग, मतलब ये जितनी भी रेज आती हैं इसकी कोशिश है कि उसको एक पॉइंट के ऊपर मिलाया जाए। तो जब इंफिनिटी से रेज इसके ऊपर आएंगी लाइट की रेज, तो ये क्या करेगा, उन दोनों रेज को एक ही पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर देगा, मिला देगा, ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं हम इससे, और वो पैरेलल रेज को जिस पॉइंट के ऊपर मिला देता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, वो पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हुई बात, ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। तो प्रिंसिपल फोकस ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है,
पॉइंट एट विच रेज या द पॉइंट एट विच पैरेलल रेज मीट्स आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो बिंदु प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां पर जो पैरेलल रेज थी समांतर जो किरणें थी वो एक पॉइंट के ऊपर मिल जाती हैं, उसको बोलते हैं फोकस बोलते हैं। क्लियर? अब ये इसको मैं प्रिंसिपल फोकस मान लो F1 लिख देता हूं। अब प्रिंसिपल फोकस के बाद देखिए ये जो पार्ट जो बनाया गया था वो किससे काटा गया था, एक स्फीयर से काटा गया था। यदि इसको पूरा बनाओ ये पार्ट भी किससे काटा गया है, एक स्फीयर से काटा गया है। क्लियर है? हो सकता है दोनों स्फीयर्स की रेडियस सेम हो सकता है दोनों स्फीयर्स की रेडियस सेम ना हो। तो मान लो ये पार्ट जिस स्फीयर से काटा गया उसका कहीं ना कहीं तो सेंटर भी लाई करेगा, कहीं ना कहीं तो स्फीयर का क्या होगा, सेंटर होगा। और वो कितनी दूरी पे होगा, इसको मैं 2F1 वो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था उसके बीच में आपका फोकस होता है। तो ये F1 था तो ये 2F1 पॉइंट था, मतलब जितनी डिस्टेंस ये थी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। क्लियर हुई बात? इसी प्रकार से ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दूसरा प्रिंसिपल फोकस, यदि सेकंड प्रिंसिपल फोकस यदि आप लोग बताओ तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से इस डायग्राम को एक बार बनाते हैं, ध्यान दें इसके ऊपर जो भी बनाया जाता है उसके ऊपर। तो मैं फिर से एक कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं, डबल कॉन्वेक्स लेंस हमने लिया इस प्रकार से, ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस था, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, मिडल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर्स था, और ये F1 पॉइंट आ गया था, ये 2F1 आ गया था। मतलब ये क्या है 2F1 क्या है, सेंटर है किसका, इस सरफेस का। और यहां हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस को करेंगे तो कोई पॉइंट यहां से आप लोग चेक करते गए कोई तो इसके ऊपर ऐसा पॉइंट होगा इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां से रेज इस लेंस के ऊपर गिरे और वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल निकल जाए। जो पॉइंट ऐसा होगा जिससे रेज रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल निकल जाए वो पॉइंट सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब बात तो वही है, इससे डबल डिस्टेंस के ऊपर 2F2 वो किसका सेंटर होगा, वो इस वाली सरफेस का सेंटर होगा। ये किसका सेंटर था, ये इसका सेंटर था। तो ये कुछ बेसिक सी टर्म्स थी जो लेंसेज से रिलेटेड थी, जैसे ऑप्टिकल सेंटर, मिडल पॉइंट ऑफ द लेंसेज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से पास होती है। उसके बाद कह रहा है फोकस क्या होता है, फोकस वो पॉइंट है जहां पर रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल रेज मिलती हैं, वो पॉइंट कौन सा होगा, वो होगा फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है जिससे आपने लेंस बनाया है, जिससे आपकी ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनी है। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वो पॉइंट जहां से रेज निकले और निकलने के बाद वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए। अब देखिए ये रेज यदि पैरेलल है तो मैं यदि आपसे पूछता हूं कि ये कहां जाकर मिलेंगी, तो सीधा क्लियर जवाब होगा पैरेलल रेज कहां से आती हैं, इन्फिनिटी से आती हैं। और पैरेलल रेज जाके मिलेंगी कहां पर, वो मिलेंगी भी इन्फिनिटी के ऊपर। तो ये था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। इसी प्रकार से कॉनकेव लेंस के बारे में भी आता है कि कॉनकेव लेंस में क्या होता है। तो इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। डाइवर्जिंग मतलब वो रेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मतलब एक पॉइंट से और दूर भगाता है। सेम वही चीजें, मिडल पॉइंट इसका भी ऑप्टिकल सेंटर, वही प्रिंसिपल एक्सिस होगा, लेकिन फोकस को डिफाइन करने का तरीका बदल गया थोड़ा सा। ये देखिए ये दो पैरेलल रेज आई इंफिनिटी से, ये क्या करेगा, इनको दूर भगाएगा, ये एक पॉइंट पे मिलाने की कोशिश नहीं करेगा। देखिए इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है, मतलब ये डाइवर्ज होती है। अब ये डाइवर्ज होती है तो आगे तो कोई मतलब इसके चांसेस है नहीं कि ये मिल जाएंगी आगे। तो जब भी ये किसी पर्सन की आईज के अंदर जाती हैं तो उसे एक इल्यूजन होता है, भ्रम होता है कि ये कहां से आती है, ये इस पॉइंट से आ रही है। यदि डाइवर्जिंग है तो आपको क्या लगेगा, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन होती है जो, जो उसकी लाइट की उसी को देखते हैं, तो ये पॉइंट उसका क्या कहलाएगा, फोकस आता है। इससे डबल डिस्टेंस के ऊपर देखिए ये है, अब की बार इसका सेंटर इधर लाई करेगा, ये देखिए स्फीयर, इसका स्फीयर ये बनेगा,
तो इसका स्पीयर का सेंटर इधर लाइन नहीं करेगा, वो इधर लाइन। तो सब बेसिक सा डिफरेंस है आपका कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल रेज जहां मिलती हैं और इन केस ऑफ कॉनकेव पैरेलल रेज जहां से रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये डाइवर्ज हुई और कहां से आती हुई लगी, ये इस फोकस से आती हुई लग रही है। तो इस केस में ये क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो ये था लेंसेज के बारे में था कि लेंस क्या होता है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इसके से रिलेटेड जो टर्म्स थी उनके बारे में था।